सबका दिल ले उड़ जाऊं मैं ऐसी चिड़िया आके मेरे देसी विस्की मैं ऐसी चिड़िया खवातीन हजरात ऐसी चिड़िया सिर्फ करशी जामशीरी पीती है। वेलकम बैक टू द शो लेडीज एंड जेंटलमैन। और ऑब्वियसली बात है इतना मजा आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू सो मच कि आप लोग आए हमारे शो पे और आप लोगों ने इतनी रौनक लगाई, और जितनी रौनक आपने यहाँ लगाई अल्लाह करे इससे डबल ट्रिपल रौनक सिनेमा में आप लोग। आमीन इंशाल्लाह। आपके मुंह में घी शक्कर। अरे अरे थैंक यू, गुड लक गुड लक। और शायद आप मुझे अगली फिल्म में रखिए। जी नीलम, नीलम आपसे मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, ये चिड़िया गाने के पीछे फिलॉसफी क्या थी? बिल्कुल कहना चाहूंगी कि ये आइटम नंबर नहीं है, इट्स अ पर्की नंबर। सर मैं आपको पता है मैं प्रो आइटम सॉन्ग हूँ, मैं तो कहता हूँ कि मुझे आइटम बॉय का खिताब मिला हुआ है। एनीवे खवातीन हज़रात अब हम लोग चल रहे हैं अपने एक ऐसे सेगमेंट की तरफ जिसको हम लोग कहते हैं मीठी गुड बाय। क्या बात है, इस मीठी गुड बाय में दोबारा कीजिएगा ये वाली मीठी गुड बाय। इस मीठी गुड बाय में आपके सामने माइक है, आप बारी बारी जाएंगे और आप पूरे पाकिस्तान को अपनी फिल्म के बारे में और ईद के बारे में एक खूबसूरत सा मैसेज देंगे, लेकिन शर्त यह है कि मीठा आपके हाथ में और मीठा खाते खाते आपने अपना पैगाम रिकॉर्ड कराना है। तो सबसे पहले हरीम आप जाए क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपका 2 किलो वजन बढ़े। अच्छा जी, मैं तो सबसे पहले एक पैगाम अपनी कौम के लिए कि प्लीज थोड़ा सा अमन का ख्याल रखें, बर्दाश्त थोड़ी सी रखें, सिनेमा जाना ना भूलें, चक्कर मूवी आ रही है, यू गाइज हैव टू वॉच इट ऑन ईद, नेक्स्ट ईयर वेट फॉर माय प्रोजेक्ट्स एज़ वेल। इंशाल्लाह। आइए हरीम, निदा आप जाइए, आप जाइए जी, आपको 2 मिनट देता हूँ और बताइए। मिलना मिलाना तो चलता है ना रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, ड्रॉइंग रूम में बैठे बैठे बोर हो गए तो जाइए सिनेमा घर अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ और जाके देखें चक्कर। ये आप यासिर भाई, आप भी भाई। अच्छा मेरा मसला ये कि मैं साल के 12 महीने में डाइट पे होता हूँ। मैं तो सिर्फ कहा था आप एक ने वाला लें, तो तो शुरू हो गए, लेकिन जब घर में अच्छा खाना बना होता है ना वो मेरा चीट डे होता है। सर आज मेरा चीट डे, जब भी अच्छा खाना सामने है वो चीट डे। जहाँ वो मेरा चीट डे, मैंने सुना है जिस दिन प्रोड्यूसर सेट पे भी ना उस दिन भी चीट डे होता है। गुड यार। अरे यार यासिर भाई फुटबॉल ही आपने फुलटा दिया। सिर्फ ऐसन होते थे तो मैं नहीं होती थी, वैसे होती। अभी अगर तुम अहमद मेरे करीब होते ना, ये लाइन सुनने में मेरे तुम करीब होते ना ये आवाज सुनते, इतना सच बोल दिया, ये आवाज आई है मुझे। ये तो भाई ईद मुबारक मेरी तरफ से और गुड यार, चक्कर जाकर देखें और बड़ी मेहनत से बनाइए। मैंने पिछली 3 फिल्में बनाई, रॉन्ग नंबर, मेहरुनसा और रॉन्ग नंबर 2, वो आप लोग अच्छी लगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे पसंद करेंगे और घर से निकलें, खुद भी निकलें, दोस्तों के साथ जाएं, फैमिली के साथ जाएं, मूवी देखने जाकर। और मेरी तरफ से ईद मुबारक आपको। ये नीलम आपकी बारी। मैंने कहा आपको जरा सवैया तो चेक कराए ना। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। हम टेलीविज़न पे मैं काफ़ी अरसे बाद आ रही हूँ, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू वेरी मच आपने इनवाइट किया मेरी पूरी टीम को, चक्कर की टीम को। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर सिनेमा जाएं, मूवी बहुत अच्छी है चक्कर, मर्डर मिस्ट्री है, कॉमेडी है, बहुत सारा रोमांस है। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपकी फ़िल्म कब आ रही है, फ़िल्म कब करनी है, सो फिल्म आ गई है सिनेमा में चक्कर, ज़रूर जाएं अपनी फैमिली के साथ, जाएं मूवी देखें, मूवी को मूवी की तरह देखें और एंजॉय करें, सिनेमा चक्कर लगाएं। बहुत बहुत ईद मुबारक। वाह। एंड नाउ अ वेरी फाइन एक्टर मिस्टर एहसन खान। अच्छा जी, सबसे पहले तो सबको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। आई जस्ट विश एंड होप के आप लोग जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं। पाकिस्तान जो है चूँकि उससे हम सब हैं,
तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेज। फिल्म चक्कर बहुत मेहनत से बनाई है, ऐसा जॉनरा आपने पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखा होगा। मर्डर, मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांटिक कॉमेडी एज वेल, डार्क कॉमेडी, इट हैज़ एवरीथिंग दैट यू वांट टू वॉच ऑन स्क्रीन। सो आई जस्ट होप कि आप लोग जाएं और फिल्म को देखें, एंड वंस अगेन ईद मुबारक। एक ब्यूटिफुल पैगाम एक ब्यूटिफुल इंसान की तरफ से, लेकिन हमारी तरफ से आप सबको हिमानी की तरफ से खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर्स भी जा रहे हैं, और जो खूबसूरत फर्नीचर पे आप बैठे हुए हैं ये हैबिट का है। ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, जाने से पहले ये कैसे हो सकता है कि जिस महफिल में अली हैदर हो तो हम किस तरह ये महफिल गाने के बगैर ख़त्म करें। लेकिन अली भाई पहले आपने अपना मैसेज देना है और वहीं से फिर शुरू हो। तमाम जितने भी हमारे इस वक्त हम टीवी के व्यूवर्स हैं उनको ज़रूर चाहिए कि वो जाएं, और बल्कि पूरा पाकिस्तान जाए, और हमारे ये जो इस तरह के नए नए काम आ रहे हैं जो कि पहले भी होते थे लेकिन अब जिस लेवल पे पहुंच गए हैं मैंने बहुत अरसे के बाद देखा है, और मैं इतना खुश हुआ हूँ कि इतनी डेडिकेटेड टीम मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, इन्वॉल्व हैं सारे लोग। तो मेरी तरफ से ईद मुबारक भी है, और साथ में ज़रूर चक्कर देखने जाएं, मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी जरूर। अली भाई क्या सुनाने वाले हैं पहले ये तो मुझे बताएं। यार मैं काफी पुराना सा आदमी हूँ तो पुरानी जींस ही सुना दूं। हम टेलीविजन की तरफ से और चक्कर की टीम की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। करशी जामे शीरी एंड ऑल पर्स UHT बट द ईद शो। अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी बहुत जल्द सिनेमा घरों में। अली